कहते हैं कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकता है। और ऐसा ही एक नौजवान है चंदीप सिंह। चंदीप जम्मू का रहने वाला है, लेकिन बचपन में ही उन्होंने करंट से अपने हाथ गंवा दिए थे। हाथ ना होने के बावजूद भी इस खिलाड़ी के हौसले बुलंदी पर हैं। पठानकोट में हाल ही में स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें चंदीप ने भी हिस्सा लिया। चंदीप ने हाथ ना होने के बावजूद भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर सभी को हैरान कर दिया। चंदीप ने चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें 11,000 और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये नौजवान पैरों में स्केट्स पहनकर हवा से बातें करता है, लेकिन कुदरत ने इसके साथ खेल खेला है। चंदीप ने बचपन में हुए हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए खेलों का रास्ता चुना। चंदीप नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और उनका सपना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश का नाम रोशन करें। चंदीप 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और हाथ ना होने के बावजूद कभी निराश नहीं होते। वो खाना अपने खुद के हाथों से नहीं खा पाते, लेकिन लिखना और कंप्यूटर चलाने जैसा सारा काम वो अपने पैरों से ही करते हैं। अगर उनके स्केटिंग खेल की बात करें तो उनके नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। वो अब तक कई शील्ड और ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उन्हें प्रशंसा पत्र भेजकर उनके बुलंद हौसलों की सराहना भी की है। इस खिलाड़ी ने अपने खेल से सबका दिल जीता है और आज ये हर नौजवान खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। उनका मानना है कि खिलाड़ी हमेशा जीतने का जज्बा रखे तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। मेरा नाम चंदीप सिंह है, मैं बैनी इंटरनेशनल स्कूल जम्मू का स्टूडेंट हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट स्केटिंग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करन आया सी, तो मैंने बहुत वधिया लगे इतने आके। इतने आके मेरी मोटिवेशन तो हुई तो नाले मेरे नाल जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने भी बहुत मोटिवेशन हुई है। मैं इन्ना कहना चाहता कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, बच्चा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा कर जाए, पर कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा विल पावर रखनी चाहिए अपने। और नौजवान पीढ़ी नूं कहना चाहता कि जो उसके स्पोर्ट्स पर ज़्यादा वर्ण नशे तो थोड़ा दूर ही रहन, तो उन्होंने बहुत फायदेमंद साबित होएगा अगर फ्यूचर से। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल चुका हूँ, स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, CBSE नेशनल लेवल खेल चुका हूँ, नेशनल लेवल भी खेल चुका हूँ स्केटिंग विच और फुटबॉल विच। वही चंदीप के परिजनों का मानना है कि आज वो जिस मुकाम पर है वो उनके कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। जब चंदीप के साथ ये हादसा हुआ तो उन्हें नहीं लगता था कि वो फिर कभी दोबारा खेल पाएगा, लेकिन माँ के विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी और आगे बढ़ने दिया। जो काम एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता वो चंदीप ने कर दिखाया। स्केटिंग कंपटीशन सी, उसते कहने कहने असी इतने कंपटीशन विच आए हैं जिते कि सानू मैनेजमेंट वालों बहुत सम्मान मिलया है। तो बेटे ने स्केटिंग की है, स्केटिंग की है तो नाल सारे के हौसले बुलंद हुए कि अगर बगैर बाजू दे स्केटिंग कर सकता है तो साढ़े बाजू होंदे भी असं स्केटिंग क्यों ना करिए, अस भी इस तो ज़्यादा स्केटिंग कर सकते हाँ, अस भी हर पार्टिसिपेट हिस्सा ले सकते। उन्हें अब इंडिया नू भी रिप्रेजेंट करना चाहता है इंटरनेशनल लेवल ही जाके। बस इन्ना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी कदे भी कुछ हो जाए, वड्डी तो वड्डी मुश्किल आ जाए, कदे भी उसको अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर असं अपना हौसला आप छोड़ देंगे तो दूसरों नू ते सानू डीकरेज ही करना है। स्केटिंग के कोच और स्कूल प्रबंधक भी उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। उनका कहना है कि ये खिलाड़ी उन सभी नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी से हार मान जाते हैं या खेल में रुचि नहीं रखते। बधाई देना चाहूंगा कि अपने इस विश्वास को कायम रखें और कोई भी चुनौती आती है उसको इसी तरह सामने करते रहें पूरी जिंदगी में, तो सफलता जरूर उन्हें प्राप्त होगी। चंदीप के बुलंद हौसले को देखकर यही लगता है कि ये खिलाड़ी अपने स्केट से ऊंची उड़ान भरने का दम रखता है। उनका सपना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश की झोली में पदक डाले। उनके इस हौसले को देखकर यही लगता है कि ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने का दम रखता है। फोकस हरियाणा के लिए पठानकोट से मुकेश की रिपोर्ट।